हेलो एवरीवन, मेरा नाम वंदना सिंह है और आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल टेक्नोलॉजी इन हिंदी में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ व्हाई डज डिफेक्ट कम इन द सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट क्यों आता है। यह क्वेश्चन इंटरव्यू पॉइंट से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यदि आप एक अच्छे टेस्टर बनना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये रीजन्स जानना है कि सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट क्यों आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 10 पॉइंट मेंशन है जिसमें ये बताया गया है कि सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट क्यों आते हैं। पहला पॉइंट है ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर ये बताता है कि इंसान से कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, कुछ ना कुछ पॉइंट छूट जाते हैं जिससे आगे चल के वो सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट का एक रीजन बन जाता है। ओके, सेकेंड पॉइंट है कम्युनिकेशन फेल्योर। कम्युनिकेशन फेल्योर में ये होता है, सपोज कोई क्लाइंट है वो अपनी रिक्वायरमेंट प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट टीम को समझा नहीं पाता है कि मुझे क्या चाहिए, और डेवलपमेंट टीम एक थॉट प्रोसेस और एक इमेजिनेशन के बेस पे सॉफ्टवेयर को डेवलप कर देती है जिससे आगे चल के वो क्लाइंट के अकॉर्डिंग आउटपुट नहीं देता है और सॉफ्टवेयर फेल हो जाता है जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट अराइज हो जाते हैं। तो एक ये भी रीजन है कम्युनिकेशन फेल्योर। ओके, थर्ड वन है इम्पॉसिबल डेवलपमेंट टाइम फ्रेम। यदि टाइम लिमिट बहुत ही कम होता है डेवलपमेंट टीम के पास, यदि एक महीना दिया गया है टाइम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए और उस टाइम लिमिट में यदि सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट टीम को करके देना है तो डेवलपमेंट टीम क्या करेगी? वो जल्दी जल्दी मेन मेन मॉड्यूल मेन मेन फंक्शनैलिटी को रन करके दे देगी, लेकिन वो कुछ चीज़ें मिस कर देगी जैसे वैलिडेशन करना, एरर हैंडलिंग करना, बहुत सारी चीज़ों को मिस करते जाते हैं जो कि होता है टाइम प्रेशर की वजह से। तो ये भी एक रीजन हो सकता है इम्पॉसिबल डेवलपमेंट टाइम फ्रेम जिसकी वजह सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट अराइज होता है। फोर्थ है सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी। सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है कि डे बाय डे सॉफ्टवेयर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है बढ़ती जा रही है क्योंकि डेटा डिफरेंट डिफरेंट सोर्स पे रखे रहते हैं, वेबसाइट से एप्स में फेच करना, मल्टी टायर डेटाबेस होते हैं जिससे सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। अलग अलग एक ही वेबसाइट को, एक ही प्रोजेक्ट को अलग अलग स्क्रीन पे दिखाना, उसके रेजोल्यूशन को मेंटेन करना, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी होती है जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट अराइज होता है। ओके, फिफ्थ पॉइंट है पुअर डिज़ाइन लॉजिक। पुअर डिज़ाइन लॉजिक का भी एक मेन रीजन होता है टाइम फ्रेम। यदि प्रॉपर टाइम नहीं दिया जाता है डेवलपमेंट टीम को जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट अराइज होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से डिजाइनिंग नहीं कर पाते हैं, सॉफ्टवेयर का डेटा फ्लो कैसा कैसा होना चाहिए प्रॉपर तरीके से मेंशन नहीं करते हैं जिसकी वजह से आगे चल के डिफेक्ट अराइज होते हैं। पुअर सिक्स वन है पुअर कोडिंग प्रैक्टिस। यदि डेवलपमेंट टीम प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है या फिर उनके पास टाइम का प्रेशर है जिसकी वजह से वो वैलिडेशन करना, एरर हैंडलिंग करना और फिल्टर लगाना, या फिर आप ये बोल सकते हैं फॉल्टी कंपाइलर यूज कर लेते हैं जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट अराइज होता है। तो एक ये रीजन भी हो सकता है पुअर कोडिंग प्रैक्टिस। सेवन पॉइंट है लैक ऑफ वर्जन कंट्रोल। हमेशा डेवलपर को हमेशा लेटेस्ट वर्जन पे काम करना चाहिए क्योंकि पुराने वर्जन में बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं जो नए वर्जन में सॉल्व कर दिए जाते हैं, तो हमेशा लेटेस्ट वर्जन पे काम करना चाहिए और कंपनी को वर्जन कंट्रोल सिस्टम, कोई ना कोई एक अच्छा सा वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे काम करना चाहिए। ओके, और अच्छे से डीप में समझने के लिए लैक ऑफ वर्जन कंट्रोल आप ये ऐसे समझ सकते हैं, सपोज दो डेवलपर हैं, डेवलपर ए एंड डेवलपर बी। ए ने एक फाइल डाउनलोड किया index.php, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए, सेम उसी टाइम पे डेवलपर बी ने उस फाइल को डाउनलोड किया और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया। डेवलपर ए ने मॉडिफिकेशन करके पुराने फाइल को रिप्लेस कर दिया नए फाइल से, लेकिन उसी समय जो डेवलपर बी है सेम उसने भी कुछ चेंजेस किए और उसने भी अपने फाइल से उस फाइल को रिप्लेस कर दिया, ए के फाइल से रिप्लेस कर दिया। अब इस कंडीशन में क्या होगा,
ए का सारा किया हुआ मॉडिफिकेशन रिमूव हो जाएगा बी के फाइल से, तो वो जो ए ने एरर सॉल्व किया था वो बार बार अराइज होता रहेगा। इस वजह से वर्जन कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। इससे ये पता चलता है कि कौन से डेवलपर ने किस टाइम पे क्या चेंजेस किए हैं, तो वर्जन कंट्रोल नहीं करने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट आ सकता है। ओके, 8th पॉइंट है बगी थर्ड पार्टी टूल्स। डेवलपमेंट टीम कई बार ऐसे होते हैं, एक बहुत सारी डेवलपमेंट टाइम पे एपीआई यूज कर लेते हैं, प्लगइन्स यूज कर लेते हैं, तो उस प्लगइन्स और एपीआई में ऑलरेडी बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं जो उनके सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं, तो एक ये भी रीजन होता है सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट आने के। 9th है लैक ऑफ स्किल टेस्टिंग। यदि टेस्टर सीरियसली टेस्टिंग नहीं करेगा, बिना टेस्ट केस बनाए, बिना टेस्ट सिनेरियो बनाए यदि टेस्टिंग कर लेता है तो उस समय एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो एक स्किल टेस्टिंग नहीं होने की वजह से भी सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट आ सकते हैं। लास्ट मिनट चेंजेस। इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट अचानक से कुछ नई रिक्वायरमेंट ऐड कर देता है, अब उस चेंजेस की वजह से अदर मॉड्यूल भी इफेक्टेड हो जाते हैं, उस चेंजेस की वजह से अदर मॉड्यूल पे भी कुछ एरर आने लगते हैं, डिफेक्ट आने लगते हैं। तो ये भी रीजन हो सकता है कि लास्ट मिनट पे यदि आपने कुछ चेंजेस कर दिया जिसकी वजह से पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट अराइज हो जाते हैं। तो ये तो थे 10 पॉइंट्स जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट अराइज होते हैं। यदि आपको इसमें कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।